स्वधर्मेन धनं श्रेयः, श्रेयः परधर्मो भयावहः। गीता कहती है अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलो सनातनियों, अब वक्त आ गया है एक होने का। कई लोग कल मुहे सनातनी ऐसे भी हैं कि अपने धर्म में क्या देवताओं की कमी है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं। तुम्हें जो प्रिय लगे उनको माना, राम जी लगे, हनुमान जी लगे, तुम कहो कि नहीं हमें तो त्रिशूल वाले चाहे, माता जी को मान, तुम कहो नहीं हमको तो बैल जिसका सवारी हो वो चाहिए, भोले बाबा को मानो। लेकिन तुम लोग कुछ कुछ कल मोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं, ऐसे कल मोहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ। जब अपने धर्म में इतने देवता कम हैं, क्या कम हैं? औरों को तो एक ही किताब है, वो या चाहे उल्टा के पढ़ ले चाहे पलटा के पढ़ ले, अपने इतने रामायण भी लो, हनुमान चालीसा भी लो, भागवत भी लो, पुराण भी लो, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, मनु स्मृति, बची खुची हम बना देवी, क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो? हाँ? और धर्मों के लोगों के लिए एक ही देवता है, वो भी अगर वो ही हो जाए फू तो क्या करोगे? इसलिए नक्कटा हरो हिंदुओं, जाग जाओ सनातनियों, आज कथा में वचन लेकर जाओ, मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। कौन कौन ये वचन लेकर जा रहा है, कौन कौन सनातन एकता के लिए वचन दे रहा कथा में बताओ। तुम्हें सौगंध है रामचरितमानस की, मर जाना और एक काम करना, कभी भी सनातन पर दाग लगने की बारी आए तो किसी, अगर तुम लोग आगे ना खड़े हो पाओ तो कोई अगर सनातन की बात करता हो तो उसके बगल में जरूर खड़े हो जाए। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, बगल में ना भी खड़े हो पाओ तो पीछे खड़े हो जाना, कम से कम सामने वाली पार्टी को ये तो दिखे कि इनके पास बहुत लोग हैं, अपने आप डर करके भाग जाएंगे, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, और जो राम को छोड़ करके राम जी को काल्पनिक बता रहे हैं, या राम जी के लिए जो कह रहे हैं, ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा, कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा है, जरा बताओ। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीतांबरा माता की नगरी में, बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। ज्यादा दिन नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं है। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हमारी पार्टी का नाम है बजरंगबली, हमारी पार्टी का निशान है मुगदर, हमारी पार्टी का नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं उकी ठटरी। अब फिर कहेंगे वोट फॉर यू एवरीवन माय डियर, लेकिन हम राम के थे हैं। जब तक कई लोग कहते गुरुजी आप आग लगाने वाली बात बोलते हो, कहीं बुलडोजर चलवाते हो, कहीं कुछ करवाते हो, हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उनको होगी जिनकी जिन्होंने चूड़ियां पहन ली, हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हम सनातन के बब्बर शेर के बच्चे हैं। और सिंह का बच्चा सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता, मंच से ललकार के कहते हम राम के थे हैं और रहेंगे। जो राम का नहीं वो गीदड़ का है, वो फिर हमें बहुत गंदी बात आती यार, वो नक्कटा है ठठरी का भरो। हाँ। और किसी को अगर लग रहा हो कि ये पार्टी के सपोर्ट में बोल रहे, नहीं,
हम किसी पार्टी का सपोर्ट करते ही नहीं, क्योंकि हमारी पहले से ही पार्टी बन चुकी है हजारों साल पहले, बजरंगबली की पार्टी। हम किसी पार्टी के ना थे ना कभी होंगे, लेकिन हम जगाने आए हैं, जगा कर रहेंगे। कई लोग अभी भी हमारे लिए बोल रहे हैं, महाराज जी तो गृह मंत्री जी की कथा कर रहे हैं। कई लोगों ने फोन से दूरभाष से बात की, आप कथा करने मत जाइए वरना आप पर स्लोगन लग जाएगा कि आप इस पार्टी का सपोर्ट करते हैं। हमका ठटरी के बड़े, गृह मंत्री कौन है पहले ये तो देख ले, वो भी हिंदू बप्पर शेर है, वो भी तो सनातन की बात कर रहा। हम गृह मंत्री की कथा के लिए नहीं जा रहे, वो ऐसा है कि वो भी सनातन के लिए ताल ठोक कर बोलते हैं, तो हम तो सनातन वाले के बगल में खड़े होने जा रहे हैं। और ये कथा राजनेतक, हमने तो कभी व्यासपीठ राजनेतक ली ही नहीं, और ईश्वर करे ना कभी लेंगे। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, चार दिन में मंच के अलावा अभी हम एक भी बार नहीं मिले हैं अपने भाई मिश्रा जी से। और आपको बताते हुए हर्ष है, उनसे हमारा भाई का नाता हो गया है, उनसे हमारा भाई का नाता हो गया है। चार दिन होने वाले हैं, हम अभी तक मिले नहीं है, मीटिंग नहीं हुई है, अभी तक कोई बात नहीं हुई। वो सिर्फ मिल जाते यहीं पर गाड़ी के पास, लेकिन ऐसी नम्रता, ऐसी विनम्रता और ऐसी आयोजन की व्यवस्था अगर राष्ट्र के प्रत्येक राजनेता में हो जाए तो भारत, सनातन भारत नहीं, पूरी दुनिया पर राम जी का राज हो जाएगा फिर से। बुरा मत मानना, हम चापलूस चटकार नहीं है, किसी की महिमा या छवि बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, न कटाहरों। ये सोच निकाल देना दिमाग से, हम करोड़ों की कथा दो कौड़ी के व्यक्ति पर नहीं बोलते हैं, ये याद रखना। हाँ, किसी का सपोर्ट नहीं, पर वो भाई है और हमें गर्व है कि वो सनातन के बहुत बड़े योद्धा है, इसलिए हम कथा करने दतिया में। और सच ये है, हम उनके लिए भी नहीं आए, हमारे भाई को तो हम कभी भी मिल लेंगे, हम तुम सब पागलों से मिलने ही आए हैं। अब फिर कहेंगे जो राम का नहीं, जोर से बोलो, तो कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने को तैयार है, हाथ उठाओ, संकल्प लेकर जाओ, कहो हे हनुमान जी, हे पीताम्बरा माता, हम वचन देते हैं सनातन की बात पर, सनातन की रक्षा के लिए जीवन भर लड़ेंगे और राम नाम का प्रचार करेंगे, करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। कौन कौन तैयार है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम ये अपनी बात नहीं बोल रहे, हनुमान जी की बात बोल रहे। हनुमान जी में जब हनुमान जी जब रावण के सामने नहीं डरे तो तुम भारत में क्यों डर रहे हो, हम तो हैं।